अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय साज ब्लॉगर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो रिंग्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये टेस्टी पोटैटो स्नैक्स आप लोगों के टी टाइम में, अफ्तार टाइम में या कोई भी टाइम आप लोग इसको बना के खाएंगे तो उसको उसके टेस्ट को दुबला कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और विद इन 15 to 20 मिनट्स बन के रेडी हो जाते हैं। तो अमेजिंग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो आलू लिए हैं जिनको पील ऑफ कर लिया था। उसको छीलने के बाद उसको हम लोगों ने बॉईल कर लिया छोटे स्लाइसेस में, काटने के बाद क्यूब में काट के, तो फिर उसको आलूओं को जो है वो अच्छे से बॉईल कर लिया। और फिर इन आलूओं को आप लोगों ने गरम गरम ही मैश कर लेना है कि ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैश करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप लोग आलू गरम गरम मैश करेंगे तो वो ईजिली मैश हो जाएंगे और जल्दी मैश हो जाएंगे। तो हाथों की मदद से भी इसको मैश कर लें ताकि कोई थोड़ा मोटा पीस अगर आलू का रह जाए ना तो वो भी अच्छे से मैश हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप राइस फ्लोर, चावलों का आटा, और इसमें 3 टेबलस्पून हम लोग ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हसबे जायका नमक, और फिर इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टीस्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। और बस अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से जो है वो हाथों की मदद से इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ही एक समोसी जो है ना वो डो तैयार हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हम लोग हरा धनिया जिससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और अब इस डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और एक हिस्से को लेके हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से रोल करना है जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। साइड से इसको आप लोग थोड़ा प्रेस करें और ऊपर से रोल करें, और उसके बाद हम लोग इसको 1/2 इंच पे हम लोगों ने इसके जो है वो कट्स लगा लेने हैं और इसको डिवाइड कर लेंगे। और अब हम इसको टैप करके एक इसकी जो है वो टिक्की तैयार कर लेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रिल ज़रूर कर लीजिएगा इसको जब आप लोग रोल करो, और जब आप लोग इसको टैप करके इसकी ऐसे सर्कल में टिक्की बनाओगे ना तो हाथों को आप लोगों ने ज़रूर ग्रीस करना है। अब किसी भी किस्म के आप लोगों ने कोई ढक्कन ले लें, यहाँ पे मैंने हाजमोला का ढक्कन लिया है, और उसको जेंटली आप लोगों ने प्रेस करके तो इसकी रिंग्स की शेप दे देनी है। प्रेस करते हुए आप लोगों ने ज़ोर से प्रेस नहीं करना, आराम से प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी हमारे जो रिंग्स हैं बड़े ही मज़े की रिंग जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे रिंग जो है वो मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। आप लोग चाहे तो बॉटल का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल जो है वो हमने हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम लोगों ने इन सारे रिंग्स को फ्राई कर लेना है जब तक एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालने से एक तो जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और अंदर से जो है वो ठीक से अच्छे तरीके से जो स्नैक्स हैं वो नहीं पकेंगे और फिर ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो इसको जब आप लोग थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे पोटैटो रिंग्स को अच्छा कलर आने तक हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। तो मज़ेदार हमारे पोटैटो रिंग जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप लोग इसको टी टाइम में इंजॉय करें, आप लोग इसको इफ्तार स्नैक्स में आप लोग इसको ट्राई करें तो बहुत ही टेस्टी बन के बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।